फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने सैमसंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, वीडियो शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस, तो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। गाइस, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको सिंपली मिलता है नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन। तो गाइस, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिम वन और सिम टू का ऑप्शन मिलता है। तो कैसे आप किसी में भी आप लगा सकते हो अपनी मर्जी से। तो हम सिम वन पर लगा के दिखा देते हैं। क्लिक करने के बाद कैसे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो कैसे यहाँ पे चाहो कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो। तो कैसे हम इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम बैक कर देंगे। तो कैसे हमारी ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो कैसे इस तरीके से हम अपने सैमसंग के फ़ोन में रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।